मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए जब हम बिना जीत की कोशिश किए मैच हार जाएं। ये मेरी नाक के नीचे नहीं होगा और अगर कोई ऐसा करता है तो मेरे सुपरविजन में खेला ये उसका आखिरी मैच होगा। आप मैच हार सकते हैं, कोई शर्म की बात नहीं, पर आप इस तरह मैच नहीं हार सकते। बोलने वाले रवि शास्त्री और सुनने वाले महेंद्र सिंह धोनी। इंडियन क्रिकेट के सबसे माहिर स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में मशहूर धोनी को शास्त्री क्यों हड़का रहे थे और धोनी चुपचाप सुन क्यों रहे थे, इन्हीं सवालों के जवाब आपको मिलेंगे किताबी बातों के इस एपिसोड में। आज का एपिसोड हमने तैयार किया है रूपा पब्लिकेशन से आई किताब कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद इंडियन क्रिकेट टीम से। इसे दो लोगों ने मिलकर लिखा है, आर श्रीधर और आर कौशिक। 11 चैप्टर की ये किताब है। श्रीधर ने 7 बरस तक बतौर फील्डिंग कोच अपने स्टिंट के दौरान अलग अलग प्लेयर्स के साथ हुए अपने अनुभवों को इसमें डॉक्यूमेंट किया है। मसलन जब अश्विन ने उनसे पूछा कि मुझे आपकी बात क्यों माननी चाहिए, ऋषभ पंत का टीम से ड्रॉप होना और बुमराह का मेंटल ब्रेकडाउन, कई और किस्से भी हैं, लेकिन पहले बात धोने वाले उस किस्से की करते हैं जहां से किताबी बातों का ये एपिसोड शुरू हुआ। बात ऐसी थी कि एक मैच के दौरान सिचुएशन के मुताबिक धोनी खेल नहीं पा रहे थे। आखिरी के 10 ओवर्स में 13 के रन रेट से स्कोर करना था, पर अगले 6 ओवर्स में धोनी के क्रीज पर रहते हुए इंडिया ने सिर्फ 20 रन बनाए। रवि मैच के अगले दिन जब टीम को पूरे तरह हड़का रहे थे, धोनी भी वहां पे थे, धोनी ने रवि शास्त्री के साथ आई कॉन्टैक्ट तोड़ा नहीं जबकि सारे यंग प्लेयर सन थे। ये MS धोनी के साथ हो रहा है, आर श्रीधर अपनी किताब में लिखते हैं। ये धोनी की सबसे प्रशंसनीय बात थी कि जब उन्हें लगता है कि वो गलत हैं तो वो अपनी आलोचना स्वीकार करने में कोई भी गुरेज करते नहीं। श्रीधर धोनी से जुड़ा एक और किस्सा सुनाते हैं जिसमें एक पात्र वो खुद भी थे। जब उन्होंने फिराक गोरखपुरी की एक नब्ज के मिसरे को चरितार्थ किया था कि राज जान के सभी के फिर भी फरेब खाए जाए, श्रीधर भी एक ऐसा राज जान गए थे जो आने वाले दिनों में भारतीय फैंस को चौंकाने वाला था। ये पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के इस्तीफे की कहानी है जो तब तक उन्होंने अनाउंस किया नहीं था। श्रीधर लिखते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था और ये मैनचेस्टर में रिजर्व डे की सुबह थी। ब्रेकफास्ट के टेबल पर सबसे पहले श्रीधर आए, वो अपनी कॉफ़ी तैयार कर रहे थे तब धोनी और पंत आए, अपने अपना नाश्ता लिया और टेबल पर श्रीधर के साथ बैठ गए। पंत ने धोनी से पूछा कि भैया कुछ लोग आज ही प्राइवेटली लंदन जा रहे हैं, क्या आप भी इस पर इंटरेस्टेड हैं? धोनी ने जवाब दिया कि नहीं ऋषभ, मैं टीम के साथ अपनी लास्ट बस ड्राइव मिस नहीं करना चाहता। आपने लास्ट शब्द पर गौर किया, श्रीधर ने किया था और वो इसका हिंट समझ भी गए थे। वो कहते हैं कि धोनी ने मुझे भरोसे में लिया था और मैंने किसी से एक शब्द नहीं कहा, न रवि शास्त्री से, न अपनी पत्नी से। ये था धोनी को दिए कॉल का अहद। अगला किस्सा भी एक डांट से ही जुड़ा है। रवि शास्त्री ने कहा किसी को कि ब्लडी हेल, क्या तुम सारी भूख यहीं पर मिटा दोगे या कुछ विकेट्स के लिए भी बचाओगे? ये कहकर रवि ने हड़काया था मोहम्मद शमी को। 2018 का साल था, भारत साउथ अफ्रीका के दौरे पर था और जोहानिसबर्ग टेस्ट के 4th दिन साउथ अफ्रीका जीतने ही वाली थी लगभग, और तब शमी अनमने थे। जैसी उम्मीद उनसे थी वैसा वो खेल नहीं रहे थे। लंच के लिए जब वो वापस आए, उनकी प्लेट में चावल और मटन करी देख कर रवि भी फर गए थे और वही कहा जो हमने आपको भी बताया कि क्या सारी भूख वो वहीं मिटाएंगे या फील्ड के लिए भी कुछ छोड़ेंगे। अब हर खिलाड़ी का अपना नेचर होता है, शमी ने भी पलटकर तब जवाब दे दिया था कि हाँ यहाँ भी खाऊंगा और वहाँ भी खाऊंगा। लेकिन शमी का खेल खास सुधरा नहीं लंच के बाद भी और तब हुआ टी ब्रेक। दोबारा लताड़ लगाने से काम बनने नहीं वाला था तो इस बार रवि शास्त्री ने सबके सामने कुछ नहीं कहा और वो शमी को साइड ले गए। कोई मोटिवेशन लेक्चर नहीं दिया उन्हें, बस शमी को याद दिलाया कि उन्होंने दोपहर में क्या कहा था कि खाना यहाँ भी है और वहाँ भी। इसके बाद जब शमी फील्ड पर लौटते हैं तो बदले हुए होते हैं। उन्होंने लोअर और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों की शामत ला दी, खेल नहीं पाई टीम। सिर्फ 28 रन देकर 5 विकेट लिए शमी ने और भारत 63 रन से जीत भी गया। मैच के बाद जब शमी चेंजिंग रूम में लौटे तो वो अपनी कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए कहते हैं, श्रीधर ऐसा लिख रहे हैं अपनी किताब में, क्या मेरे को और गुस्सा दिलाओ, आप लोग गाली दो, तुम लोग उतना गुस्सा नहीं दिलाते जितना दिलाना चाहिए। रवि और शमी के बीच घनिष्ठता सिर्फ खेल के मैदान तक नहीं थी। श्रीधर लिखते हैं कि शमी जब अपनी घरेलू परेशानियों से जूझ रहे थे, उनकी पत्नी ने उन पर केस कर दिया था, उस वक्त जिस पहले इंसान को शमी ने फोन किया था वो रवि ही थे। अब वो किस्सा जब शमी ने कहा कि मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। जून 2018 में अफगानिस्तान टेस्ट से पहले का वक्त था, शमी अपने फिटनेस टेस्ट में फेल हुए। निराश शमी ने बेंगलुरु के होटल में रवि शास्त्री से तब कहा था कि मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा और मेरा करियर हो गया खत्म। तभी चिल्लाए, वो कहते हैं कि अच्छा तू क्रिकेट छोड़ देना चाहता है तो छोड़ दे, लेकिन तू करेगा क्या छोड़ के। कुछ गालियों के साथ इस पूरी बातचीत ने सुकरात की प्रश्नोत्तरी वाली शैली अपना ली। रवि पूछते हैं कि क्या तुम कमेंट्री कर पाओगे? नहीं। क्या तुम कोचिंग के फील्ड में जा सकते हो? नहीं। तुम वो भी नहीं कर सकते, पढ़ाई करेगा और जो कुछ तुम्हारे बारे में मीडिया में चल रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी तुम्हें टच करना चाहेगी नहीं।
ये सारी बातचीत हिंदी में हुई थी और इस आखिरी सवाल से शमी की हंसी फूट पड़ी थी। विराट कोहली, इनका भी एक किस्सा है। इनका किस्सा सुनाते हुए श्रीधर बताते हैं कि मार्च 2021 में अहमदाबाद में टेस्ट मैच होने जा रहा था और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया दूसरा डे नाइट टेस्ट मैच था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत की जगह इस मैच पर निर्भर करती थी और ये पिंक बॉल का टेस्ट मैच था। स्टेडियम में दर्शकों के लिए सीट का रंग ऑरेंज था। इस पर पहले ही पर्याप्त बहस हो गई थी कि पैंडेमिक के वक्त जब मैदान खाली रहेगा तो पिंक बॉल को देखने में समस्या हो सकती है। विराट जानते थे कि उन्हें इस अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार रहना पड़ेगा, सो उन्होंने शाम के जुर्मुटे में जो ट्वेलाइट का टाइम होता है उसमें श्रीधर से कहा कि वो फील्डिंग सेशंस लेना चाहते हैं, थोड़ा ट्रेन करना चाहते हैं खुद को। जाहिर है एक आदर्श परिस्थिति थी नहीं, लाइट कम है, लेकिन श्रीधर बताते हैं कि विराट ने अविश्वसनीय रूप से 200 के आसपास कैचेस लिए और ये प्रैक्टिस सेशन टेस्ट मैच से एक रात पहले हो रहा था। शुभमन गिल उन्हें कुछ दूरी से देख रहे थे, उन्होंने देखते देखते वो थक गए, तब शुभमन ने यूं ही फन में विराट को ज्वाइन किया और विराट ने तब मुस्कुराकर कहा कि यंग मैन मैं तुम्हें 10 साल की छूट दे रहा हूं, तुम कम से कम ये तो कर ही सकते हो कि कुछ कैचेस ले लो। यहाँ 10 साल का जुमला इसलिए क्योंकि शुभमन गिल विराट कोहली से 11 साल छोटे हैं। प्रैक्टिस सेशन रुका तब जब भारतीय टीम के मैनेजर साहब को इन्फॉर्म करना पड़ा कि टीम रेडी है और बस होटल के लिए अगले 10 मिनट में निकलेगी। ये थी विराट की मास्टरी की मिस्ट्री। कोचिंग से जुड़े एक सबक के बारे में बताते हुए श्रीधर लिखते हैं कि क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें सारा रीडिंग मटेरियल, हर कोचिंग मैनुअल सिर्फ अंग्रेजी में है। हाँ, यदि आप कम्युनिकेशन के बारे में कुछ समझना चाहें तो आप उसे हिंदी या अपनी प्रेफरेंस वाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा सकते हैं रीडिंग मटेरियल को, लेकिन इससे उसका इम्पैक्ट काफ़ी कम हो जाता है। आप पसंद करें ना करें पर क्रिकेट वो स्पोर्ट है जो सबसे अच्छी तरह इंग्लिश में ही क्लियर होता है। यहाँ तक आते आते अगर आप आर श्रीधर कौन है वाले सवाल पर ही अटके हुए हैं तो हम आपकी जानकारी में इजाफा कर देते हैं। आर श्रीधर साल 2014 से 2021 तक इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच रहे। वो पहले नेशनल क्रिकेट अकेडमी में थे जिसके रास्ते उन्होंने भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई। वहीं आर कौशिक 3 दशक से क्रिकेट पर लिखते रहे हैं। उन्होंने वीवीएस लक्ष्मण और गुंडप्पा विश्वनाथ पर भी किताब लिखी है। किताबी बातों का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किताबी बातें हमारा नया प्रोजेक्ट है, इसे अतिरिक्त प्यार दें। ज्ञान और प्यार शेयर करने से बढ़ता है, तो आप भी याद से ये एपिसोड 5 लोगों को भेजिएगा। देखते रहिए दिल ललन टॉक।